अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सिलांज कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। इसमें जो मेन साल्ट यूज़ होता है उसका नाम है लेंसोप्राजोल। सिलांज कैप्सूल को गर्ड यानी गेस्ट्रो एसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसी बीमारी या कंडीशन होती है जिसमें मरीज़ को खट्टे डिकार आते हैं, खाना खाने के बाद मैदे में शदीद जलन और दर्द होता है। इसके अलावा मरीज़ को अक्सर गैस और बदहज़मी की शिकायत भी रहती है। अगर आप गर्ड यानी गैस्ट्रो एसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का शिकार हैं तो आप सिलांज कैप्सूल सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सिलांज कैप्सूल को गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर में भी इस्तेमाल किया जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर में मरीज़ के मैदे में अल्सर यानी ज़ख़म वगैरह बन जाते हैं, जिससे मरीज़ को मैदे में शदीद जलन, दर्द और तेजाबियत वगैरह रहती है। तो उस अल्सर को ख़त्म करने के लिए भी सिलांस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा सिलांस कैप्सूल को एच पेलोराई इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। एच पेलोराई इन्फेक्शन हमारे मैदे में अल्सर काज करता है। इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी सिलांस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा सिलांस कैप्सूल के अगर डोजेज की बात की जाए तो एक कैप्सूल रोज़ाना सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले खाना चाहिए। सिलान कैप्सूल के अगर साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इससे आपको नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है।